नहीं रुक रहा है लव यात्री विवाद। अभिनेता सलमान खान की आने वाली होम प्रोडक्शन फिल्म लव यात्री 5 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। हाल ही में फिल्म का नाम बदला गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सलमान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब फिल्म के पुराने नाम को लेकर उनके खिलाफ मुजफ्फरनगर के मिठनपुरा थाने में FIR दर्ज की गई है। दरअसल 12 सितंबर को मुजफ्फरनगर के स्थानीय वकील सुधीर ओझा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने सलमान खान सहित फिल्म के मुख्य कलाकार आयुष शर्मा और वरीना हुसैन समेत 4 अन्य अभिनेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता सुधीर ओझा ने कहा था कि फिल्म का नाम लव यात्री हिंदू समाज के पर्व नवरात्रि से मिलता जुलता है। सलमान की फिल्म ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। कोर्ट ने सुधीर ओझा की दलीलों को मानते हुए इस मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसको लेकर आज मुजफ्फरनगर के मिठनपुरा थाने में सलमान समेत 6 कलाकारों पर FIR दर्ज कर दी गई है। FIR का नंबर है 359/18। मिठनपुरा थाने के प्रभारी विजय राय ने बताया है कि कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई है और इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि गुजरात में भी फिल्म के नाम को लेकर आपत्ति जताई गई थी और इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। लग रहा है कि सलमान के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि एक मामला खत्म होने से पहले ही उन पर कोई ना कोई दूसरा केस आ जाता है।